सत श्री अकाल जी। तो गाइस आज मैं आपके लेके आया हूँ HP Victus 2022 वाला लेटेस्ट वेरिएंट। तो करते हैं वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, तो चलिए शुरू कर दें। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार अपना चैनल समझो। तो बाय द वे लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है KC इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने। तो KC इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड PC पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इस लैपटॉप का अमेजोन लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, सामने की तरफ Victus का लोगो है, Victus की ब्रांडिंग है एंड HP की ब्रांडिंग है। तो बैक साइड से कुछ ऐसा दिखा जाता है, तो ब्लैक कलर में आता है। तो नीचे से ऑलरेडी मेरा बॉक्स ओपन है, तो फटाफट डब्बा खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइड वाली चीज़ें बाहर, इसमें देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपको देखने को मिलती है पावर कॉर्ड, जो कि नॉर्मल सॉकेट वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा एडाप्टर, जो कि 200 वॉट का है, वही 200 वॉट का है, एंड साथ में ये वाला इंटरफेस है इसका जैक। तो लैप ही निकाल लेते हैं बाहर। तो अंडे की ट्रे में पैक होता है, ऊपर है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन गाइड, वो भी एनवेलप में। तो कुछ इस पैकिंग में लैपटॉप मिल जाएगा। तो घूंघट से निकाल लेते हैं बाहर लैपी को। तो यार डिज़ाइन एंड कलर देखो, ये नेवी ब्लू कलर है ये, तो भाई काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। Victus का यहाँ पे लोगो है, बाकी पूरा मैट फिनिश के साथ आता है। यहाँ पे Victus की ब्रांडिंग है। एंड बैक साइड से बात कर लेते हैं, तो बड़ा सा एयरटेक का वेंट है एंड दो फैंस एक साथ ही लगे हैं। तो दूसरा वाला मेड्यूल नहीं है, अलग वाला, मतलब एक साथ ही है, जो HP पवेलियन में होता है वही HP Victus में भी है। ओमन में अलग अलग होते हैं, लेकिन थर्मल का आपको आगे अंदाजा हो जाएगा गेमिंग रिव्यू में। एंड बड़े बड़े दो रबड़ ग्रिप्स मिलती हैं, एंड ड्यू स्पीकर आपको नीचे की साइड ही मिल जाएंगे, आगे सैंपल सुना दूंगा। तो इस साइड भी आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, जिस साइड फैंस है ना वो वाला साइड ओपन है, बाकी दूसरा साइड बंद होगा। तो इस साइड बात करते हैं, इधर आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से पोर्ट्स आपको मैं बता ही देता हूँ, मतलब इस साइड कोई भी वेंटर नहीं है। तो पोर्ट्स की बात करें, देखो यहाँ पे आपको चार्जिंग जैक, 3.2 का USB पोर्ट, हेडफोन जैक कॉम्बो वाला, फुल साइज कार्ड रीडर स्लॉट। तो इस साइड बात करते हैं, सबसे पहले 3.2 का आपको टाइप सी पोर्ट, जो कि थंडरबोल्ट वाला नहीं है लेकिन चार्जिंग वगैरह सपोर्ट करता है, एंड यहाँ पे लैन केबल स्लॉट। उसके बाद आपको 3.2 का अगेन USB पोर्ट, एंड यहाँ पे HDMI पोर्ट। तो टोटल दो ही USB पोर्ट हैं, एक मतलब एक टाइप सी है। तो HP का भाई पवेलियन सीरीज में भी दो ही होते हैं, क्या करें अब। तो बिल्ड की बात कर लेते हैं, पूरा लैपटॉप देखो बना हुआ है प्लास्टिक से, एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मतलब अच्छी लगी, पवेलियन से तो बेटर है, लेकिन बाकी के लैपटॉप्स के कंपैरिजन में अब भी मतलब नीचे ही है। अब HP में ऐसी ही बिल्ड क्वालिटी आती है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पवेलियन से बेटर है। वेट की बात कर लेते हैं, 2.3 kg लैपटॉप का वेट है, तो डिसेंट वेट है। टफ का 2.4 हो जाता है, इसका 2.3 है, थोड़ा सा कम है। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। तो वन एंड से यार आराम से ओपन हो जाता है, कोई भी मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का मतलब कहने का मतलब काफ़ी अच्छा है। तो लैपटॉप का बूट भी कर लेते हैं। कीबोर्ड के अंदर ही हमें पावर बटन देखने को मिलता है, तो गलती से मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो डिलीट बटन भी साथ में ही है। तो बूट स्पीड आप देख लो, विंडोज 11 पे प्री इंस्टॉल है ये, पहले से ही विंडोज 11 देखने को मिल जाती है। तो Victus की ब्रांडिंग आ चुकी है, ऊपर आपको वेबकैम मिल जाएगा, बेजल्स काफ़ी कम है डिस्प्ले के, साइड बेजल्स खाली, मतलब बाकी तो नॉर्मल ही है। तो बूट हो चुका है हमारा लैपटॉप। तो अब कीबोर्ड वगैरह की बात कर लेते हैं, टचपैड की बात करते हैं। तो कीबोर्ड के ऊपर ही आपको देखो एक वेंटिलेशन के लिए एक मिल जाता है ग्रिल। तो कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, तो वही फुल साइज आप देखने को मिल जाते हैं नेवी ब्लू कलर में ही। तो पूरा लैपटॉप यार नेवी ब्लू कलर में है, एंड टचपैड थोड़ा और डार्क है। तो फुल साइज का कीबोर्ड है, स्क्वायर साइज की कीज़ हैं, एंड कीज़ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है यार, मतलब टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, एंड कीज़ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक की कीज़ है। टच पैड की बात करें तो वो भी काफ़ी मतलब बड़ा साइज़ का दिया गया है, लार्ज साइज़ का, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मतलब बेटर देन पवेलियन सीरीज। तो एवरीथिंग इज़ बेटर देन पवेलियन सीरीज, तो टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे स्टिकर्स हैं, Victus की ब्रांडिंग है, पाम रेस्ट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एजेस भी चुभते नहीं है, राउंड एजेस हैं, तो ऑल गुड। तो मेन हमारा उसकी वॉबलिंग की बात कर लेते हैं, तो वो देखो पिछले साल जैसी थी ना वैसी ही है, तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, थोड़ा हैंडल वेथ केयर करना पड़ेगा आपको, बाकी ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा हिलता ज़्यादा है, तो बस इसकी न्यू बोर्न बेबी की तरह केयर करना। एंड कीबोर्ड में वाइट कलर की बैकलर लाइट भी है, जो कि वन लेवल वाली है, ऑन ऑफ ही होती है सिर्फ, तो ठीक है RGB दे देते तो मज़ा आ जाता। तो बात कर लेते हैं लैपटॉप की डिस्प्ले की, जिसके अंदर आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 250 nits की ब्राइटनेस है,
तो इंडोर के लिए तो ठीक है, आउटडोर में थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 300 निट्स दे देते थोड़ा और बढ़िया हो जाता। एंड 45% NTSC है तो सॉरी 62% sRGB है, मतलब 62% इसके कलर एक्यूरेट है। बाकी 9 ms का रिस्पॉन्स टाइम है जो कि यार बाकी लैपटॉप के कंपेरिजन में कम है। मतलब बाकी लैपटॉप वाले आपको क्या देते हैं जिसमें 45% NTSC होती है ना, उसमें आपका होता है 15-20 का रिस्पॉन्स टाइम। इसके अंदर इसका जो हाईलाइटिंग फीचर है 9 ms का रिस्पॉन्स टाइम, जो कि एक लौता लैपटॉप ही है ये विक्टर्स जो हमें इतना कम रिस्पॉन्स टाइम देता है, तो कम रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू बेटर। तो इसके CPU की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है i5 12th जनरेशन जो कि है 12450H, जो कि 8 core 12 thread का CPU है, जिसमें से आपको 4 performance core एंड 4 efficient core देखने को मिल जाती हैं। तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी टेस्टिंग की है, सिनेमन स्कोर वगैरह एंड कुछ और भी टेस्ट किए हैं, आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, बस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। आगे बात कर लेते हैं इसकी ग्राफिक कार्ड की, तो इसके अंदर आपको 75W का RTX 3050 देखने को मिलता है जो कि 4GB VRAM के साथ आता है। एंड रैम की बात कर लेते हैं तो 8GB रैम इसके अंदर आपको सिंगल चैनल की प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है, 16GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। तो 2 slot हैं इसके अंदर, दूसरे स्लॉट में आप 1GB की और लगा लेना तो 16GB हो जाएगी ड्यूल चैनल में। बाय द वे 3200 MHz की है एंड DDR4 रैम है। आगे स्टोरेज की बात करते हैं तो भाई 512GB की SSD आपको देखने को मिल जाती है जो कि जेन 4 वाली है, लेटेस्ट है। एंड एक्स्ट्रा स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलता, मतलब स्लॉट तो दिया हुआ है लेकिन उसके ऊपर जो ब्लैक वाली खांचा होता है वो नहीं दिया, तो आप लगा ही नहीं सकते दूसरी SSD। जो ऑलरेडी इंस्टॉल SSD 512 वाली उसे आप निकाल के 1 TB तक आप अपग्रेड कर पाओगे। तो स्टोरेज अपग्रेड करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाली निकाल के हाई कैपेसिटी लगा सकते हो। आगे बात करते हैं, इसके अंदर आपको Wi-Fi 6E देखने को मिल जाता है एंड Bluetooth 5.2। आगे बैटरी की बात करते हैं तो 70 Wh की आपको इसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि भाई 3 से 4 घंटे का आपको नॉर्मल इसमें बैटरी दे देगी। तो वेबकैम की बात कर लेते हैं तो बाकी लैपटॉप्स की तरह ही आपको एवरेज वेबकैम देखने को मिल जाता है, क्वालिटी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं स्पीकर्स की, तो उसका आपको सैंपल सुना देता हूं। तो नीचे के साइड यू स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, सैंपल आपको मैं सुना देता हूं, ये सुनो। तो नीचे के सारे ड्यूल स्पीकर हैं, तो स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी बहुत बेस आपको देखने को मिल जाती है, ट्रेवल वगैरह सब कुछ सही है एंड लाउडनेस भी काफ़ी है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस सेक्शन की, जैसे कि आपको मैंने बताया i5 12450H देखने को मिल जाता है जो कि 8 core 12 thread का CPU है, जिसमें से 4 performance core हैं, 4 efficient core हैं। तो सिर्फ 823 score आपको मैं बता देता हूँ, जो मल्टी कोर स्कोर आया था वो था 10703 एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया था वो था 1682 एंड गीकवेंच स्कोर भी मैंने टेस्ट किया था तो उसका आपको मल्टी कोर स्कोर बताता हूँ, वो है 6773 एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया था वो था 1573। 3D Mark x5 भी मैंने टेस्ट किया था जो कि CPU का स्कोर आया था वो था 6919 एंड GPU का स्कोर आया था 4977। ओवरऑल जो स्कोर आया था वो था 5195। आगे मैंने ब्लेंडर भी टेस्ट किया था, उसके स्कोर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो CPU देखो ये काफ़ी पावरफुल है, कोई भी काम इसके अंदर आप आराम से कर पाओगे, 1080p एंड 2K लेवल की भी वीडियो एडिटिंग आप कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो, इतना पावरफुल CPU तो है ये। एंड ये CPU Ryzen 5 से बेटर है, इवन की 12th जनरेशन ही Ryzen 6000 सीरीज से बेटर ही है। तो आगे बात कर लेते हैं गेमिंग रिव्यू की, टोटल इसके अंदर मैंने 10 games टेस्ट की हैं। तो रूम टेम्परेचर था 29 से लेकर 30 degrees एंड इसके अंदर मैंने परफॉर्मेंस मोड सेट कर दिया था इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ओमन गेमिंग हब, जिसके अंदर ऑप्शन आपको परफॉर्मेंस वाली देखने को मिलती है एंड फैन भी आप ऑटो या मैक्स मोड पे चला सकते हो। तो मैंने फैन को मैक्स पे कर दिया था एंड परफॉर्मेंस मोड पे कर दिया था लैपटॉप को, उसको चार्जिंग पे लगा था। एंड सबसे पहले जो गेम मैंने टेस्ट की थी वो थी GTA 5 रिकमेंडेड सेटिंग्स में, तो जो कि मुझे CPU टेम्परेचर मैक्स टच किया था 85 degrees एंड GPU टेम्परेचर 73 degrees टच किया था मैक्स। एंड FPS की बात कर लेते हैं तो 100+ देखने को मिल रहे थे ओपन एरिया में, जहाँ डिमांडिंग एरिया था वहाँ थे 70-80-90 के करीब हमें देखने को मिल रहे थे एवरेज। एंड अगर यही 16GB रैम कर लोगे तो 1900 आपको डिमांडिंग एरिया में भी मिल जाएंगे। तो आपको पता ना 8GB रैम है 3200 MHz की, तो ड्यूल चैनल रैम कर लो 16GB कर लोगे तो परफॉर्मेंस का काफ़ी बूस्ट मिलेगा। कौन कौन सी गेम में कितना बूस्ट मिल सकता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ साथ के साथ ही। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टेस्ट की थी फायर क्राई 6 मीडियम सेटिंग्स में, साथ में रखा था बैलेंस पे FSR DLSS नहीं है फायर क्राई 6 में। तो CPU टेम्परेचर मैक्स 80 degrees टच किया था एंड GPU टेम्परेचर 65 degrees मैक्स टच किया था, तो 70 हमें एवरेज FPS देखने को मिल गए थे। अगर ये 16GB रैम कर लोगे तो 5-10 FPS आपको थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे।
एंड नेक्स्ट एम की बात करते हैं फायर करें 5 की, जो कि मैंने टच की थी हाई सेटिंग्स में, जिसमें आपका सीपीयू टेम्परेचर मैक्स टच किया था 85 डिग्री एंड जीपीयू टेम्परेचर मैक्स टच किया था 71 डिग्री एंड 80 एवरेज एफपीएस में देखने को मिल गए थे एंड 5-10 एक्स्ट्रा एफपीएस मिल जाएंगे 16 GB रैम करने के बाद। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टच की थी गॉड ऑफ वॉर ओरिजिनल सेटिंग्स में, साथ में रखे थे DLSS को बैलेंस पे। सीपीयू टेम्परेचर 84 टच किया था एंड जीपीयू टेम्परेचर 76 टच किया था एंड एवरेज एफपीएस में 60-70 देखने को मिल रहे थे। अगर 16 GB रैम कर लोगे तो 10-20 आपको FPS का बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं RDR2, जो कि मैंने टच की थी मीडियम सेटिंग्स में, साथ में DLSS रखे थे बैलेंस पे। तो इसमें आपको सीपीयू टेम्परेचर 80 डिग्री मैक्स टच किया था एंड 75 डिग्री जीपीयू टेम्परेचर मैक्स टच किया था। 61 एवरेज FPS में देखने को मिल गए थे। अगर ड्यूल चैनल रैम कर लोगे तो 5-10 FPS का आपको बूस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टेस्ट की थी बैटलफील्ड 5 हाई सेटिंग्स में। सीपीयू टेम्परेचर 85 डिग्री टच किया था मैक्स एंड जीपीयू टेम्परेचर 75 डिग्री मैक्स टच किया था। FPS में 70-80 एवरेज देखने को मिल रहे थे। तो 15-20 FPS का बूस्ट मिल जाएगा 16 GB रैम करने के बाद। एंड नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टच की थी पबजी PC हाई सेटिंग्स में। सीपीयू टेम्परेचर 85 डिग्री मैक्स टच किया था एंड जीपीयू टेम्परेचर 75 डिग्री मैक्स टच किया था। तो भाई टेम्परेचर 85 के ऊपर जाता ही बहुत कम था एंड जीपीयू टेम्परेचर भी 75 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो ओपन एरिया में हमें 100+ FPS भी देखने को मिल रहे थे एंड डिमांडिंग एरिया में 70-80-90 वाला, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है ना, जहाँ बंदे भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे 70-80-90। तो 15-20 का आपको बूस्ट मिल जाएगा जब 16 GB रैम कर लोगे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, वैलहेला मैंने टच की थी मीडियम सेटिंग्स में, जो कि सीपीयू टेम्परेचर मैक्स टच किया था 75 डिग्री एंड जीपीयू टेम्परेचर मैक्स टच किया था 74 डिग्री। एवरेज FPS में देखने को मिल गए थे 59। तो 5-10 का बूस्ट मिलेगा 16 GB रैम करने के बाद। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं वॉरजोन, जो कि मैंने टच की थी नॉर्मल एंड साथ में रखे थे बैलेंस पे DLSS। तो सीपीयू टेम्परेचर 86 मैक्स टच किया था, तो हाँ इसमें 86 गया था मतलब एक सेकंड के लिए टच हुआ था, नीचे ही आ जाते हैं। तो जीपीयू टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, 74 टच किया था। 70-80 में एवरेज FPS देखने को मिल गए थे। अगर यही 16 GB रैम कर लोगे 15-20 का आपको और बूस्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं वैलोरेंट की, जो कि मैंने टच की थी हाई सेटिंग्स में। तो 72 डिग्री मैक्स टच किया था टेम्परेचर CPU का, GPU का 58। तो FPS की बात कर लेते हैं, तो ऑलवेज 120 के ऊपर हमें देखने को मिल रहे थे। तो अगर 16 GB रैम कर लोगे तो 20-30 आपको और बूस्ट मिल जाएगा FPS का। तो बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो यार गेमिंग परफॉर्मेंस तो मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिल गई है एंड 16 GB रैम कर लोगे तो और बूस्ट आपको मिल जाएगा। थर्मल्स की बात कर लेते हैं, तो भाई 29-30 के रूम टेम्परेचर के हिसाब से भी टेम्परेचर्स काफ़ी अच्छे थे। बाकी 16 GB अब रैम होगी तो टेम्परेचर्स भी इंक्रीज़ होंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, तब फिर 90 टच कर ही जाएगा। अभी तो पूरी परफॉर्मेंस निकाल नहीं पा रहा 8 GB रैम की वजह से। तो अब लैपटॉप के कोन की बात कर लेते हैं, एक तो वॉबलिंग वाला आपको पता ही है, थोड़ा हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा। वो तो चलो कोन को साइड पर रख दो, वो तो पिछले साल भी थी। बाकी जो मैंने कोन्स नोटिस की हैं, जो कि USB पोर्ट 2 ही हैं, बाकी वो HP का शुरू से ही सीन है। पवेलियन सीरीज में भी 2 देता है, ओमन में भी शायद 2 ही USB पोर्ट है, चुकरा टाइप सी तो दिया हुआ है, चलो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो कौन है वो बड़ी कौन है, क्योंकि SSD एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है, तो आप स्टोरेज अपग्रेड नहीं कर पाओगे। मतलब इन्होंने स्लॉट तो दिया हुआ है, लेकिन ऊपर जो ब्लैक वाली चिप होती है जिसके अंदर SSD फंसाते हैं ना, वो अगर मैंने यूट्यूब पे देखे हैं टीयर डाउन की वीडियोस, वहाँ पे इन्होंने दिया ही नहीं हुआ स्लॉट। थोड़ी बहुत वीडियोस भी देखी हैं, उसमें भी ये कह रहे हैं स्लॉट ही नहीं दिया, मतलब स्पेस है लेकिन स्लॉट नहीं है, तो वह कोई फायदा भी नहीं उसका। तो SSD तो आप अपग्रेड कर नहीं पाओगे, जो ऑलरेडी 512 वाली लगी है उसे निकाल के आप 1 TB तक लगा पाओगे बस, मतलब रिप्लेस करके आप हाई कैपेसिटी वाले लगा सकते हो। तो अपग्रेड ऑप्शन कोई नहीं है, रैम अगर आप 16 GB तक कर पाओगे, 2 स्लॉट हैं। तो यही कौन लगी मुझे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप में लेना चाहो आप ले सकते हो। प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इस वेरिएंट का 80,000 के आसपास प्राइस है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। बाकी लुधियाना या चंडीगढ़ से हो तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विजिट कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो कोई भी लैपटॉप। तो बस ये था इस वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय।